आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और इहतराम के साथ बैरूनी शायर आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मोहतरम ताज कानपुरी साहब से फिरोज भाई बाहर जो लोग हैं एक आवाज दे दीजिए आप जनाब ताज कानपुरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए अब हजरात बाबा से बुलंद नाम सलवात से इस्तकबाल कर पाए भाई सलवात पढ़ लें हाजरीन में फिर सलाम अलैकुम आप सभी हजरात को ये नूरानी जश्न बहुत बहुत मुबारक हो सामान्य वक्त में गुंजाइश नहीं किसी तरीके से मीडिया गुफ्तगू की जाए लेकिन कुछ अशआर समाअत फरमा लें बस उसी को मेरी तमीज समझ लें क्योंकि हमारे बुजुर्ग सरजमीन बॉम्बे और आजमगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान की आबरू जिसे अदब भी कहा जाए तो कम है वो शायर नहीं है यकीन मानिए इस दौर का एक अहद है शायरी का जहाँ से हम लोगों की फिक्र खत्म होती है उस शख्स की वहाँ से शुरू होती है उसे डॉक्टर शोर आजमी ये हमारे लिए भाई से फख्र की बात है कि उनके सामने लग कुशाई कर रहा हूँ अर्ज करता हूँ कि यूं गर्दिशे कौन है यूं गर्दिशे कौन है यहाँ जेरो जबर है मैं चाह रहा हूँ कि एक कलाम पेश करूंगा जब तक रफ्तार रफ्तार कुछ लोग आ जाए उससे कबल कुछ अशार यूं गर्दिशे कौन है यूं गर्दिशे कौन है यहाँ जेरो जबर है अजन मिश्रा देखिएगा यूं गर्दिशे कौन है यहाँ जेरो जबर है एक नूर के आने की अंधेरों को खबर है यहाँ जेरो सफर है एक नूर वफा भाई ए वफा साहब अगर आवाज मेरी आ रही है तो आप अंदर आ जाए या तो थोड़ा सा हट के बात कर ले यू कर दिशे कौन है यहाँ जेरो सफर है एक नूर के आने की अंधेरों को खबर है अरे वारिस इस्लाम तेरा हुस्न है ऐसा डूबी हुई हैरत में सुलेखा की नजर जो मजमा है वो काफी युगल दिशा कौन है यहाँ जेरो खबर है एक नूर के आने की जेरो को खबर है मैं कहीं से पढ़ना चाह रहा था लेकिन आगाज में कहीं से कर दिया ये हम लोग हर नमाज में बुला रहे हैं साहिब रसूल समान जब नस्करी जिल्ला जहूर मौला आप आ जाइए हम आपके साथ हैं लेकिन मेरे मौला की भी कुछ तवक्कात हैं ऐसा दादा ने उसे लिखते हैं बाज़बाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कुछ अशआर पेश कर रहा हूँ सुने कि अभी हमारे उमीद साहब ने बेहतरीन इब्तिदा में कलाम पेश किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से पहले खुद को ऐसा बना लो अभी आपने पेश किया अब उसी की जेल में देखें कि क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को जब हम फर्शे महफिल पर फर्शे मजलिस पर दो तीन घंटे के लिए ढाई घंटे छः घंटे के लिए बैठ नहीं सकते हैं तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए क्या चले क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को वफा लोगों को मिसल नुमा किरदारों को यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को माफ करना न कभी दीन के गद्दारों को माफ करना न कभी दीन के गद्दारों को दिल गमे शह के चरागों से जलाए रखना हाथ में पथ में अब्बास सुल्तान भाई मुझे जो कलाम पेश करना मैं चाह रहा हूँ जो भी अदरात भार है वो रफ्तार रफ्तार आगे इसके लिए मैंने इसका इंतजार किया एक नया मिसरा था जलालपुर का डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब अभी पाकिस्तान जा रहे थे
शहजादी कौमरान के हवाले से महफिल चली, उस दौर वहाँ पे एक महफिल रखी गई, उसके एजाज में उनकी मिसरा दिया गया और जो पाकिस्तान जा रहे उनके एजाज में महफिल रखी गई। वो मिसरा हवा में गर्दिश करता हुआ आपके इतिबास आया और उन्होंने इशार किया। मैं चाहता हूँ कि जो लोग बाहर हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, उसके बाद मैं वो कलाम पेश करता हूँ। शेख सुनी क्या जब आया हो पैगाम मतदारों को, महंगी आस्ते का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मिसल नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, माफ करना न कभी दीन के पत्तारों को, दिल हमें शहर के चराहों से चराए रखना, हाथ में परचमे अब्बास, थोड़ा सा साथ दीजिएगा फिरोज भाई। कह रहे हैं कि तिले सहरा की तुम्हाओं का मदीना तुम हो। चलो दिले सहरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गमे शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना। मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो। अरे हैदरी, दिले सहरा की दुआओं का मदीना तुम हो, हमें शब्बीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरवे ज़ैनबो कुलसुमो सकीना तुम हो, लाश किस्मत में करो खुल्द की तकबीर करो, चुपके चुपके न खड़े माता। हमारे बड़े भाई अशगर लोहरी साहब भी तशरीफ ले आए, बड़ा मकदूम है मकदूम, और किसी मिसरे में और किसी बैग पे अगर हमारे डॉक्टर शोर आजमी साहब का हाथ उठ जाए तो मेरे लिए सनत की बात है। ये ऐसी शख्सियत है कि इसके लिए मैं किसी तरीके कोई गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मतलब को शेर पढ़ता हूँ कि चेहरे का फोलपन भी अजीबो गरीब है, अंदाज़े गुफ्तगु भी बड़ा ही अजीब है, इसको कभी किसी ने अगर चुप करा दिया नजरों से बोलने लगा ऐसा हबीब। अशफाई आपके भी लिए, अगर ये ऐसे कलमकार ना हो तो मुझ जैसे शायरों की खिलकत नहीं हो सकती। चेहरे का भोलपन भी अजीबो गरीब है, अंदाज़े गुफ्तगु भी बड़ा ही अजीब है, इसको कभी किसी ने अगर चुप करा दिया नजरों से बोलने लगा ऐसा खतीब है, इसके कलम से मिलती है मजमून को हयात, ये इल्म का हकीम अदब का तबीब। हमारे के लिए सिर्फ सना नहीं, जनाबे पूजा, जनाबे सलमान, जनाबे कंबर, जनाबे नीसम, हमारे खतीब ने उनकी सना करके बताया कि ये हमारे कौम के वो बुजुर्ग हैं जिन पे हमारे मासूमी ने फख्र किया। इस दौर के ये हमारे वो बुजुर्ग हैं, हमें इन पे फर्क है, फख्र। आज हम लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो पढ़ पढ़ इनको सुन सुन क्या जब आया हो पैगाम को, मेहंदी आसर का सरवर के परस्तारों को, यानी शब्बीर के बेबाक, जरा थोड़ा साथ भी देना है, यकीन मानिए कई शब रोज का जागा हुआ है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा जितने लोग हैं। मौला कह रहे हैं कि मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन। मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का, याद शब्बीर का, जिस शख्स को एहसान नहीं वाजिबुल कत्ल है इंसानों में। आमादा हो गए उस कलाम को सुनाने के लिए, आखिरी बंद सिलसिले का सुन ले।
एक अजब दुनिया है कि जब तक इंसान पास कुछ नहीं रहता है तो दरवाजे तेरे हृदय पर सलाम बहुत खटखटाता है, लेकिन जब किसी मंजिल किसी मकाम पर किसी अहलियत पर पहुंच जाता है तो उसे इस शर्म में चलना भी बड़ा मुहाल होता है, दर्शन में इस बैठना भी बड़ा मुहाल होता है। जो 365 दिन में एक शबाती है शबे आशूर, उसको चलना भी बड़ा। सुनिए मौला क्या कह रहे कि कल तलक फाकों पर फाका ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, चार घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का पिया। उसके बाद अर्ज करता हूँ सुनें कि खुशी के आंख में आंसू बता रहे हैं, यही खुशी के आंख में आंसू बता रहे, देख के पारो इसकी समझ लीजिए ताजा है। खुशी के आंख में आंसू बता रहे हैं यही कि आज बारूद सहारा के चाय आते हैं, खुशी के आंख में आंसू बता रहे हैं यही कि आज बारूद सहारा के चाय आते हैं, हर एक वक्त के मारे से बोले ये फितरुस चलो हुसैन के दर पर हुसैन आते हैं। चलो हुसैन के दरबार हुसैन आते हैं। अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, खुदा के नूर यूं आते रहे जमाने में, सेना की मोट से ऐसा चराग हक्का जला, हवा भी हो गई जाने दिए जलाने। मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, मैं अपना निभा के चला जाऊं, जिसे आप सुने सेना की नोक से ऐसा सेना धक्का चला, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, रहबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया। हर हाथ उठना चाहिए था, रायबर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया, है उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे, जिसने शहर गैबत का उजाला नहीं पाया। सच है जो उम्मीद भाई ने कहा कि एक बाबा सब शहरों को निभा नहीं सकता है, साबे बयाजी हो चलो भाई, जो मेन साहब बयाज है वो खड़ा है और उसके साथ बाबू खड़े होकर सबने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ तो मसला है कि हम शहर के बाद एक एक को पढ़ाना है, मकामी भी है बलूंदी भी है। अच्छा मसला ये भी है कि कुछ जरूरियात जिंदगी है जिसके लिए इंसान को जाना है आना है, आदमी ये सोचता है कि मेरा पिछले हमको पढ़ना चाहिए था, ये अजब दुनिया है। शहजादे ने जिसकी जहाँ पर ड्यूटी लगाई और बांबे लखनऊ या जिस वक्त लगाई और पढ़ेगा उसी वक्त, और जिस शाख में फल होते हैं वो शाख हमेशा झुकी हुई होती है, जिस शाख में फल होते हैं वो शाख हमेशा झुकी हुई होती है, हवा के झोंकों से टूट जाते हैं। अल्लाह ने अगर किसी मसलक पर पहुंचाया है तो उस मसलक को अपने बरकरार रखो, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, वहां पे ठहरे रहना कमाल होता है।
डॉक्टर शोर आदमी जब आए पूरे लोग जा चुके थे, लेकिन वो बंदा खुदा आगे बैठ गया। उसे मालूम है कि ये इबादत हो रही है। मैं क्यों बाहर अपनी जिंदगी हम सब मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला में ड्राइवर कहीं दुनिया में किसी का नहीं पाया, 1400 बरस उम्र का जिंदा नहीं पाया है, उसके मुकद्दर में फकीरी के अंधेरे जिसने शह गैबत का उजाला नहीं पाया। जब तक न किया लूह ने शबीर का मातम, तूफान से कशी ले कला रहा। जब तक लगी अनुमान ने शबीर का मातम, तूफान से कश्ती ने बहुत आहिस्ते से शेर कि जब तक के चली तहर में अब्बास की सांसें, सरवर ने कभी खुद को अकेला नहीं पाया। पाकिस्तान का उसकी भी आबाद फातिमा है जमाने के बाद की, अशफाई आबाद फातिमा है जमाने के बाद की, अहले इल्म पढ़ा लिखा मजमा देखिए मकदार से करता हूँ कि झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी। हसन भाई शेर सुनिए, झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी रोशन है कुछ शराब उठाने के बाद। बॉम्बे में शेर सुने जाते हैं, जमीन बॉम्बे में शेर सुने जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें बात किया। जवानों इधर थोड़ी सी देखिए, झोंके हवा के जिस्म में खाने के बाद रोशन है कुछ शराब बुझाने के बाद हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी दुश्मन अली के सुधरे ना आने का। दुश्मन अली के सुधरे ना सुल्तान भाई सोशल लौट के आए, दुनिया ने क्या क्या किया। दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को खुशी हसी मैसे पे आए तो वो सुनाने के बाद। कई शबों रोज का जागा हुआ, अभी दो घंटे में सिर्फ सो गया हूँ फिरोज भाई भी, लेकिन आप थोड़ा सा हमला रहिए कि हमारे झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद रोशन कुछ चराग बुझाने के बाद हैरत हद पे उंगले पे जाने के बाद दुश्मन अली के सुधरे न आने के बाद मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद नैसे पे आयतों को सुनाने के बाद। रोई फौज शाम के दर में चला के तीर असर हसे हैं तीर को खाने के बाद। असगर हंसे तीर को खाने के बाद भी
आप इस फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा पतन पे इतना पिला लेगा। समझ रहे हैं शहीदों की खुशी थी, ऐसे बेहतों को सुनाने के बाद रोई फौज शाम के रंग में चला दी। असगर हसन दीन को खाने के बाद आप इस फौज शाम के आगे न जा सकी, लोहा बदल में इतना गिराने के बाद भी तलकीन उसकी कब्र पर पड़ता नहीं कोई, तलकीन उनकी कब्र पर पड़ता नहीं कोई, जगते नहीं जो लोग जगाने के बाद। जगते नहीं जो लोग जगाने, सुनिए, जगते नहीं जो लोग जगाने के बाद भी हिंदा की नस्ल खुद पर ज़ैनब से मिल गई, आबाद फातिमा है संभालने के बाद। कदीरी महफिल भी होती है, कदीरी नारा लगाए मेरे साथ, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, खाने के बाद भी आगे से बहुत शान की आगे ना जा सके, लोहा बदल के इतना पिघलने के बाद हिंदा की नस्ल खुद पाए ज़ैनब से मिल गई, हिंदा की नस्ल खुद मौलाना शेर सुनी, हिंदा की नस्ल खुद पाए ज़ैनब से मिल गई, आबाद फातिमा है जमाने के बाद एक कर्नाटक की दिलेर लड़की लड़की का पैगाम पूरे कायनात के नाम था। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वो सच्ची कनीज थी, इसलिए उसने इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं किया, ये दो है चार है छह है लाखों में करोड़ों में। निडर होके उसने बताया कि हम करबलाई हैं, तुम मार सकते हो हमको, मेरे हिजाब को नहीं छीन सकते। शेर सुनिए, हिन्ना की नस्ल खुद पाए ज़ैनब से मिट गई, आबाद फातिमा है समाने के बाद भी कुछ पहने जाने किस लिए फिरती है बेरिता पेपर तक। कुछ पहले जाने किस लिए फिरती है बेरिता पेपर तकी पे आज बहाने के बाद भी हसरत है। शेर सुनिएगा, जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को अमर दरवाजा है बतूल जलाने के बाद। हाँ
नज्म का जो शेर इस हकीर को पसंद है वो आपकी आदिलाना समातों के हवाले भाई सिंदाबाद ताज भाई सलामत रहें पा जिंदा की नस्ल खुद भाई जैनब सलीम हमारा जो शेर मुझे पसंद है वो आपसे कर रहा हूँ सुबह आखिरी सब तक जिंदा की नस्ल खुद भाई जैनब सलीम की आबाद फातिमा है जमाने के बाद कुछ महीने जाने किस लिए फिरती है बेरिका बेपर्दगी प्यास बहाने के बाद भी टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कब्र लाशा जमा पिसर का उठा उनकी नहीं है मकसद शब्बीर की खबर लाशा जमा पिसर का उठाने के बाद कुछ महीने जाने किस लिए फिरती है मेरी बेपर्दगी प्यास बहाने के बाद हिंदा की नस्ल खुद बाय जैनब से मिट गई आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी सुल्तान का शेर सुनिए नदीली शेर इब्ने जफा विरासत अहमद ना छू सका इब्ने जफा विरासत अहमद ना छू सका घर में नबी के सेव लगाने के बाद भी इब्ने जफा विरासत अहमद ना छू सका घर में नबी के सेव उम्मीद वो आलम की नबी से लगाए थे मैदा में मात हर जगह खाने के बाद भी उम्मीद वो आलम की नबी से लगाए थे मैदा में मात हर जगह खाने के बाद भी नजरों से बोलते रहे सूली बयाली निशान कबाल अपनी कचरे के नजरों से बोलते रहे सूली पे आई नीसम जबान अपनी कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना दामन फरीद का और संजीदा शेर है सुल्तान भाई कुछ मुफ्तियों ने ताज्जुब की बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग बुलाते भी उन्हीं हैं हमारे कौन के आलिम को 10,000 दिया था उनको 50 दिया जाता हाँ लेकिन गले से उंगलियों लगाए हुए कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना तो मैं फरेब का इसमें मेरे रसूल पे आने की बात कुछ मुफ्तियों ने इसमें सबको तब्दील किया हो सकता है भाई जो मैंने बात कही हो कुछ लोग शरीक हो इसलिए मुझे दाद ना मिली उसके ये हिंदुस्तान में मैंने जहां भी कलाम पढ़ा ये शेर बहुत चला यही बहुत सस्ते में चला है कुछ मुफ्तियों ने छोड़ा ना दामन फरेब का इस मिंबरे रसूल पे आने के बाद भी एतात रब से मांगना उसके लिए दुआ महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद Yeah.
महफिल में जो ना आए, मैं सब एक कलाम और सुनाऊंगा। अभी मैं सभी को मिश्रा था कि गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ, गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। क्योंकि हमारे असाथ तशरीफ रखते हैं, इसलिए मैंने इसका अभी इंतखाब किया है। लेकिन उससे कबल हमारे भाई की फरमाइश थी, एक दिन दो तीन शेर सुन ले। अभी कुछ दिन कबल पेशावर का वाकया, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं ये अक्सर नहीं हो रही, 1400 साल से हो रहे हैं। अच्छा, 1400 साल से क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न क्या है, वो सिर्फ ये है कि ये जब तक ये जिंदा रहेंगे हमारी शरीयत चल नहीं पाएगी दुनिया में। क्योंकि आले रसूल को मानने वाले हैं, कल भी आले रसूल की शरीयत जिंदा थी और उसी आले रसूल की शरीयत के लिए उनको कत्ल किया गया कि वो शरीयत जिंदा ना रहे। यानी कलाम पाक के पारों को भी अलग अलग किया गया और जो बोलते पारे थे उनको भी अलग अलग किया गया। जिसको ये है कौन लोग, शेर सुनिए। जो कर्मों वाला आज मिटाने पे तुले हैं, बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हाथ जानू पे रखे ना। सुनिए, जो कर्मों वाला आज मिटाने पे तुले हैं वो चांद को पत्थर से गिराने के तुले। मेरी पढ़ने की जिम्मेदारी है, समझने की आपकी जिम्मेदारी। जो कर्मों वाला आज मिटाने के तुले हैं वो चांद को पत्थर से गिराने के तुले हैं। नादान है, जल जाएंगे अशकों की कपित से, सूरज को हथेली से छुपाने के तुले। नादान है, जल जाएंगे अशकों की कपित से, सूरज को हथेली से। नफरत है जिन्हें मुंह की कश्ती से जहां में। पढ़ा लिखा मजमा सामी मिश्रा। नफरत है जिन्हें मुंह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले। मैंने ऐसा अतफ वाला शेर तो नहीं रहे कि मैं आप लोग के ना समझ में आए। तारीख आप लोग नूह अलैहिस्सलाम के आपके पेशे नजर है, जिसने अपने बेटे को आवाज दी, उसने बाबा जान आओ अपने देखिए हम वापस आ गए। ये उन्हीं की नस्ल है कि हम इस दौर में कश्ती में तो आवाज दे रहे हैं, लोग आते नहीं है। अब गैरों की अपनी नहीं आते। नफरत जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले। सरकार जहां हो गए बायत के सफीले, कागज की वहां नाव चलाने पे तुले। उन लोगों का अंजाम भी सताम सा होगा, अमेरिका से तो हाथ मिलाने। अमेरिका से जो हाथ मिलाने पे तुले हैं, हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। इस मिसरे पे एक मतलब कुछ अशात समाप्त कर रहे हैं। तरस खाइएगा मेरे गले पर। तरस खाने का मतलब ये नहीं कि वहां से आप दुआ देने लगे, सिर्फ दाद दे दीजिएगा कि बिलाली सीन कहाँ, बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ। मिश्रा मैंने पाया तो सब न फुटा बेटा, सब न फुटा, ऐसे मजा नहीं आएगी। मुस्कुराने से हमारे शेर की कीमत हमको नहीं मिलेगी, आपके मुस्कुराने से मेरे शरीर हमको जैसे हम पढ़ रहे वैसी दाम वापस कीजिए। बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ। वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ।
तो हौसलों को बढ़ाते तो फिर से महफिल पर मेरे तैयार में अब ऐसे सामाइन का मेरे तैयार में अब ऐसे छह सुनो जवानों हर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा हर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा वो जानता था चुकानी है ये जमीन सागर भाई इधर भी देख लीजिए नेट पे क्या देख रहे हो यार डायरेक्ट देखो यार कमाल है अभी तो लोग सुन नहीं रहे थे जब शायरी लोग ऐसे शायरी के साथ करेंगे हम बात कर रहे जो हौसलों को बढ़ाते थे फिर से मजलिस पर जो हमारा भाई है वीर भाई है वही अपने अपने टाइम में इंसान सोचता था रविवार भी बोल ले रहे जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्शे महफिल पर मेरे तैयार में अब ऐसे समय कहा पूरे एक पल में अलैहि सलाम बन के उठा वो जानता था छुपानी है ये जमीन कहा वो आके देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम जो कह रहे हैं कि यूसुफ आवाजी वो आके देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम दो शेर मैं अपनी जगह वो आके देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहा गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ने हमें पता है उलटती है असगर एक पल में अलैहिस्सलाम ये जानता था छुपानी है ये जमीन का वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहा गिरा के छूले से खुद को कहा ये असगर हमें पता है वो लटकी है आस्तीन कहा हमें पता है वो लटकी है आस्तीन कहा ये बात सुन तुम्हें कर्बला बताएगी कि बात मरने के रहते हैं जायरीन का ये बात खुद तुम्हें कर्बला बताएगी कि बात मरने के पूरे एक पल में अलैहिस्सलाम बन जो वो जानता है सुकानी है ये जमीन गिरा के झूले से खुद को कहा ही हमें पता है वो लड़की है आस्तीन ये बात खुद तुम्हें कर्बला बताए ये बात मरने के रहते हैं इमाम असर भी आते हैं ताज महफिल इमाम असर भी आते हैं ताज महफिल में हमें यकीन है उनको मगर यकीन कहा
हमें यकीन है मौला तेरी महफिल भाई की अति में मौला तेरी महफिल में तो शिरकत नहीं करते, वो अपने सगे बाप की इज्जत नहीं करते। दिल पाक नजर पाक लहू पूरा नहीं पड़ू से दो छेद की है। मौला तेरी महफिल में जो शिरकत नहीं करते वो अपने सगे बाप की इज्जत नहीं करते। दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिनका वो लोग हमेशा में सियासत है। दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिनका वो लोग, मैं पूरा कलाम ही पढ़ूं तो भाई अभी पर फरमाई सिर्फ वो शेर इन्होंने ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से इसलिए। दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिनका वो लोग हमेशा में सियासत नहीं करते। गैरत का मेरी उठता ये हर रोज जनाजा, गैरत का मेरी उठता ये हर रोज जनाजा, मौला जो मेरी गैर से नुसरत नहीं करते। हमारे यहाँ कुछ साल कम नौ मुहर्रम को कुछ दहशत गर्दों ने मुहर खराब करने की कोशिश की, तो कुछ हमारे यहाँ के लोग लल्लू भाई की पान की दुकान पर सुबह मैंने 1400 साल हमी लोग पीस रहे हैं। मौला कुछ करते ही ना प्यारों के लिए, हमने क्या कर दिए बेटा, 1400 साल पहले जिंदगी जीने का सलीका देख के चले गए और परवरदिगार आलम ने ये इम्तिहान लिया अपने शहजावानों से। वो कुल फलाकुल के मालिक थे, अगर जमीन को इशारा करते तो पानी ना निकलता, जमीन में भरती सबके सब दब। मौला तेरी महफिल में जो शिरकत नहीं करते वो बच्चे वालदैन की इज्जत नहीं करते। वो लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी कल से सुनना है ये आपकी जिम्मेदारी। दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिनका वो लोग हमेशा में सियासत नहीं करते। गैरत का मेरी उठता ये हर रोज जनाजा, मौला जो मेरी गैब से बस्ती में यजीदों की भी करता हूँ मैं मादत, मैं कैसे कहूँ मौला इबादत। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, सच्चात के होठों पे ना आता जो तबस्सुम, हम लोग कभी हंसने की जरूरत नहीं करते। हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता, महबूब खुदा जिनसे मोहब्बत नहीं करते। जिन लोगों से उठा न मोहम्मद का जनाजा, तबूतों में वही जिंदा नहीं, वही लोग हैं शब्बीर के कातिल। शबीर के कातिल पे जो लान